सवाल कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। एक फंक्शन दिया गया है एट एक्स, हमने इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करना है और देखना है कि ये कंटिन्यू है या नहीं है एट एक्स इक्वल टू 2 पर। तो ज़रा देख लें इसको सॉल्यूशन। पहला काम हम ये करेंगे कि लिमिट एट एक्स इक्वल टू 2। इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, या इसको मुख्तसर कहते हैं एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। यहाँ पर आप लिमिट लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, x अप्रोचेज टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, इसके सिंबल ये यहाँ पर वैल्यू में आप सिंपल लिमिट आपने लगाना है। नहीं, फर्ज करें यहाँ पर 2 है, x यहाँ से इस तरह फ्रॉम लेफ्ट साइड अगर इस तरफ जाएगा तो f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी वहाँ पर। अच्छा, ये आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, 3 लिमिट x अप्रोचेस टू फ्रॉम लेफ्ट साइड, फिर x माइनस, इसके साथ लगाए ना लगाए फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट है। चलो ये अब आप क्या करेंगे, अप्लाइंग लिमिट करेंगे, अप्लाइंग लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड f ऑफ x। जब अप्लाई करोगे तो सिंपल आपने 2 यहाँ पर पुट करना है, 2 ये माइनस सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए, 3 इंटू 2 माइनस 5, ये आ गया हमारे पास 4, 2 थ्री ज़ा 6, 6 माइनस 5, 4 टू ज़ा 8, 6 माइनस 5 1 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 9। ठीक है, इसी तरह आपने फाइंड आउट करना है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इसको मुख्तसर लिख सकते हैं राइट हैंड लिमिट। ये तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड, f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड, इसकी वैल्यू आप देख ले 2x स्क्वायर प्लस। अच्छा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों के लिए यही इस्तेमाल करेंगे। अक्सर फंक्शन में दिया हो जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट का अलग फंक्शन होता है, राइट हैंड लिमिट का अलग होता है, तो यहाँ पर दोनों के लिए यही इस्तेमाल करेंगे, 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड, 3 लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड माइनस 5। अप्लाइंग लिमिट यहाँ पर भी इसी तरह, अप्लाइंग लिमिट यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 3 फिर 2। ठीक है, यहाँ पर लिमिट अप्लाई नहीं हुआ तो इसी तरह रखेंगे, 2 ये 4 आ गया, 6 माइनस 5 तो ये आ गया हमारे पास 8, 6 माइनस 5 1 अगेन, ये 9 आ गया। इसको 2 का नाम दे दें, इसको 1 का नाम दे दें, का मतलब क्या हुआ, फ्रॉम 1 इंटू इट इज क्लियर दैट। तो आप देख रहे फ्रॉम 1 इंटू 2
इट इज़ क्लियर दैट लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है और दोनों किसके बराबर है नाइन के बराबर है सो दैट इंप्लाइज दैट देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर लिमिट क्या आ गया हमारे पास लिमिट ऑफ फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस टू टू फ्रॉम बोथ साइड्स दैट्स इक्वल टू नाइन ये अब इसको इस तरह का नंबर दे दें अब उसके बाद हम मालूम करेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू टू एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी टू पर ये मालूम करेंगे तो सिंपल हमारे पास है वी हैव फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर है टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव सिंपल आपने इसमें यहाँ पर पुट करना है पुट क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हमने मालूम करना है एक्स इक्वल टू टू इस फंक्शन का तो सिंपल पुट करेंगे डायरेक्ट देयरफॉर एफ ऑफ टू तो टू इंटू टू ये स्क्वायर आ गया फिर थ्री इंटू टू माइनस फाइव एफ ऑफ टू ये टू इंटू फोर प्लस सिक्स माइनस फाइव ये आ गया एट प्लस सिक्स माइनस फाइव वन तो ये एफ ऑफ टू आ गया हमारे पास यानी फंक्शन वैल्यूज ऑफ फंक्शन एट टू इज इक्वल टू ये भी नाइन आ गया ये तो बाय डेफिनेशन क्या है कि फ्रॉम वन ये वन एंड टू क्लियरली लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्स अप्रोचेस टू टू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट टू ये भी नाइन है ये भी नाइन है तो जब लिमिट की वैल्यू किसी पॉइंट पर और उस फंक्शन की वैल्यू उसी पॉइंट पर दोनों का सेम आ जाए तो इसका मतलब है फंक्शन क्या है एट दैट पॉइंट कंटिन्यूस है अब चूंकि लिमिट हमने निकाला दोनों तरफ से लिमिट क्या आ गया हमारे पास लिमिट फंक्शन की वैल्यू नाइन आ गई और एग्जैक्टली एट एक्स बराबर टू फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई नाइन आ गई तो दोनों बराबर आ गए इसका मतलब है एट एक्स इक्वल टू टू द फंक्शन इज कंटिन्यूस देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू टू ये तो सवाल कह रहा था कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग सवाल हमसे ये पूछा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग ये फंक्शन दिया गया है एट एक्स इक्वल टू टू हमने कंटिन्यूटी डिस्कस करनी तो पहला काम आपने ये करना है कि लिमिट एट एक्स इक्वल टू क्या होगी उसके लिए फिर लेफ्ट हैंड लिमिट आपने निकालना है फिर उसके बाद आपने राइट हैंड लिमिट निकालना है राइट हैंड लिमिट ये लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाला फिर उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकाला अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट लिमिट एग्जिस्ट यहाँ पर आप लिखेंगे जब ये लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर हो तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट लिमिट एग्जिस्ट ये आपने जरूर लिखना है अच्छा अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर ना हो तो आपने सिंपल आपने यहाँ लिखना है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट जब लिमिट ही बराबर ना हो तो जाहिर से बात ये कंटिन्यू फिर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे तो वो यही पर आपने बात को ख़त्म करना है अगर कोई फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर ना हो तो आप लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट तो बात को वहीं पर आपने ख़त्म करना है तो अभी चूंकि ये लिमिट एग्जिस्ट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों वैल्यू बराबर आ गए अब हम ये देखेंगे कि एट एक्स इक्वल टू वैल्यू टू इस फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी वो हमने मालूम करना है सिंपल आपने डायरेक्ट एक्स की जगह यहाँ पर पुट करना है कैलकुलेट करना ये भी नाइन आ गया तो लिमिट की वैल्यू भी वही है जो एफ ऑफ
टू की वैल्यू है। तो लिहाजा इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू टू पर, यानी ग्राफिकली अगर हम देखें एक्स इक्वल टू टू पर ग्राफ में कोई गैप नहीं आएगा। तो ये प्रोसीजर है। सवाल अगर समझ में आया है अच्छी तरह से तो वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए, इससे वीडियो की रैंकिंग बढ़ेगी। बाकी नए आने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सके।